आज आपके साथ रियल क्लाइंट वर्क नहीं है, जस्ट ड्यूरिंग ट्रेनिंग प्रैक्टिस, स्टूडेंट प्रैक्टिस जो है ना वो आपके साथ शेयर करना है। और इसमें आपको बताना है कि बैककमिंग जो होती है ना, बैककमिंग में क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं। ये फ्रेंड्स मेरी एक स्टूडेंट ने इस तरह से जो है बैककमिंग किया, तो बैककमिंग जब इस तरह की होगी तो उसके रिजल्ट जो है ना बिल्कुल भी अच्छे नहीं होंगे। तो आपने बैककमिंग किस तरह से करनी है अभी फ्रेंड्स आप देख लें कि बैककमिंग हमने रिमूव किस तरह से करनी है। बिल्कुल आपने ऊपर वाला जो लास्ट एंड पे आपका हेयर है ना, आपने वहाँ से स्टार्ट करनी है। बिल्कुल आपने रूट वाली साइड से स्टार्ट नहीं करनी। इस तरह से हमने जो है ऑलरेडी अपनी जो बैककमिंग है ना ये वाली रिमूव कर ली है। अभी फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगी आपने बैककमिंग जो है ना वो उसका जो बेस्ट वे है वो क्या है। अभी फ्रेंड्स ईयर टू ईयर हमने पार्टीशन की है। ईयर टू ईयर पार्टीशन करने के बाद जस्ट क्राउन एरिया से आपने एक थीन सी लेयर लेनी है अपने ईयर्स की, और उसको इस तरह से आपने जस्ट रूट्स के अंदर जो है ना बैककमिंग करनी है। उसके बाद आपने ये नहीं करना कि डिफरेंट डिफरेंट जगह जगह पे आपके पैचेस आए। आपने जो बैककमिंग की है दूसरी एक बिल्कुल थीन सी लेयर लेनी है, और इसके अंदर फिर उसको ब्लेंडेड सी बैककमिंग करनी है। और इस तरह से आपने जो है बैककमिंग इस तरह से करनी है कि कहीं भी आपकी जो बैककमिंग है ना वो अलग अलग से नज़र ना आए। उसके बाद आपने ये देखें इनको अच्छे से ब्लेंड करना है। जितनी भी बैककमिंग आप करते जाएंगे उनको आपने एक दूसरे के अंदर अच्छे से मर्ज करना है, ब्लेंड करना है, बिल्कुल एक पफ वाली जो लुक है ना आपकी वो आ जाए। ठीक है, मोस्टली क्या होता है कि हम बहुत कम बैककमिंग करते हैं और उसके अंदर हम पफिंग यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स ये वाली जो है ना आपको, अगर आप पफिंग भी यूज करते हैं बट आपको हर तरह का वर्क जो होता है, जैसे आपका सैलून होना तो आपको हर तरह का वर्क आना चाहिए। अगर आप उसको यूज करते हैं या नहीं करते बट आपको आना चाहिए। अभी जनाब हमने विदाउट क्रिम्पिंग ये किया। जब आप अपने हेयर्स को क्रिम्प कर लेते हैं ना तो बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही कम बैककमिंग में आपकी बड़ी जबरदस्त वॉल्यूम भी आपको मिल जाता है और आपकी बैककमिंग भी हो जाती है। तो फ्रेंड्स ये एक तो एरिया आपने जो है वो फोकस करना है, एरिया क्या है फॉलो करना है। उसके बाद ये फ्रेंड्स मैंने दो पिंस के साथ उसको होल्ड करना है। एक पिन आपने लगाई, दूसरी पिन जो है उसके अंदर क्रॉस में आपने इस तरह से लगाएंगे कि दो पिंस जो है ना आपकी बिल्कुल आपके बाल बाद में बिल्कुल लूज नहीं होंगे, ख़राब नहीं होंगे। अभी फ्रेंड्स ये वाली स्टाइलिंग की बहुत ज़्यादा जो है वो मुझे क्वेश्चनिंग आई हुई थी कि ये वाली स्टाइलिंग जो है ये बता दें, समझा दें, सिखा दें। तो ये बिल्कुल ईजी है। आपने इस तरह से ईयर टू ईयर पार्टीशन की, उसके बाद आपने क्राउन पर थोड़ी बैकअपिंग की। फ्रंट पर आपके पास ऑप्शन में होता है कि आपने क्या करना है, आपने ये लड़ी ली काशी लड़ी के ऊपर अपने जितने भी हेयर्स हैं आपने इस तरह से उनको कर्ल्स करके करना है। अभी ये जस्ट हमारा ड्यूरिंग ट्रेनिंग स्टाइलिंग है बट इसमें मैंने कर्ल्स वगैरह क्रिम्पिंग कुछ नहीं की, जस्ट जो है ना आपके साथ इसका मेथड है ना वो शेयर किया। इस तरह से आपने कर्ल्स करने हैं और इस तरह से आपने लड़ी के ऊपर उसको वन बाय वन इस तरह से उसको कवर करते जाना, और आपकी बहुत ही मज़े की ज़बरदस्ती स्टाइलिंग अभी मैंने बिफोर में आपको दिखाई है वो वाली स्टाइलिंग हो जाएगी। वीडियो को देखने के लिए और मुझे सुनने के लिए थैंक यू। अपना बहुत सब याद रखें, दुआओं में मुझे भी याद रखें। अल्लाह हाफिज़।